गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं खुर्शीदा बानू, वरिष्ठ प्रवक्ता इंटीरियर डेकोरेशन, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगानेर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको द्वितीय वर्ष इंटीरियर डेकोरेशन के विषय हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन के अंतर्गत 20वीं शताब्दी की फर्नीचर की हिस्ट्री एवं विभिन्न देशों में हुए फर्नीचर एवं फर्नीचर डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। इससे पूर्व हम उन कारणों को जानेंगे जिससे विभिन्न देशों में मॉडर्न फर्नीचर की डिज़ाइन का विकास हुआ। पहला कारण था ए क्लीन कट फॉर्म द पास्ट। 19वीं शताब्दी में क्रिएटिव लोगों के द्वारा सभी पुरानी डिज़ाइन को बाहर निकाल दिया गया और नए तरीके से सोचना शुरू किया। 20वीं शताब्दी की फर्नीचर डिज़ाइन इससे पूर्व के डिज़ाइन से एकदम अलग थी। इस समय फर्नीचर डिज़ाइन में जो परिवर्तन हुआ वह इससे पूर्व न किसी काल में हुआ और न ही किसी सभ्यता में। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस शताब्दी के लोगों ने मशीन को जाना एवं पहचाना। वह मशीन से लोगों का रिश्ता बन गया। लोगों को मशीन की उपयोगिता पता चल गई। इस प्रकार मशीन का उपयोग करके फर्नीचर बहुतायत में बनाया जाने लगा। फर्नीचर की वास्तविक डिज़ाइन जो पहले क्राफ्ट्समैन द्वारा बनाई जाती थी, अब मशीन का उपयोग करके जल्दी व ज़्यादा अच्छी बनाई जाने लगी। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। इस समय शहरी सभ्यता में बहुत बदलाव हुए। इस समय में सामाजिक समानता, तकनीकी प्रगति, फंक्शनल डिज़ाइन एवं तेज़ी से बढ़ते संचार की डिमांड ने विभिन्न देशों के वास्तुकारों को नया सोचने का अवसर दिया और इसके विभिन्न वास्तुकार एवं डिज़ाइनर ने आर्ट नोव्यू जैसी संस्था की स्थापना की। उन्होंने एक हल्के चमकदार तथा प्रैक्टिकल वातावरण खोजने का प्रयास किया और यही सोच बाद में मॉडर्न मोमेंट में बदल गई। फोर्थ पॉइंट रहा कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट मोमेंट। इस प्रकार नई सोच एवं नई डिज़ाइन के चुनाव से 19वीं शताब्दी के अंत में कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, जिससे क्यूबिज्म और फ्यूचरिज्म मूवमेंट चलाए गए और इन मूवमेंट से आर्टिस्टिक और सोशल मूवमेंट जो है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहे। इस मोमेंट के अंतर्गत या इन जो मोमेंट चलाए गए उनमें कार, एरोप्लेन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और इस तरह से यह मोमेंट फर्नीचर डिज़ाइन को भी काफ़ी प्रभावित करने लगे। इस तरह के मोमेंट से पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर आदि में तीव्र विकास प्रारंभ हुआ। फिफ्थ पॉइंट था रोल ऑफ वेरियस कंट्रीज। प्रोडक्शन टेक्निक के विकास में विभिन्न देशों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके इस सहयोग से दूसरे देशों ने अपने उद्योग स्थापित किए और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाया। सिक्स पॉइंट था
मेंटल एटीट्यूड टूवर्ड्स डिज़ाइनिंग, यह एक महत्वपूर्ण कारक था डिज़ाइन के प्रति मानसिक दृष्टिकोण जो है उसमें स्वतंत्र डिज़ाइन की अवधारणा आर्ट नोव्यू का एक गिफ्ट था, परंतु इसके परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार से तर्कहीन एवं आराम से समझौता करना इसका उद्देश्य नहीं था। अतः कुछ ही समय में सूचनाओं के आदान प्रदान की तेजी के साथ इस विचार को पूरे विश्व में अपना लिया गया। सिक्स पॉइंट था रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, सॉरी सेवेंथ पॉइंट था रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन। तेजी से बढ़ते संचार साधन, माल की वृद्धि, यूनिवर्सल टेस्ट ने पूरे विश्व के प्रत्येक भाग में फ्रीडम को स्थापित किया और इस तरह लोगों को अपनी राय बताने का मौका मिला और कुछ लोगों ने पुराने स्टाइल को तथा कुछ लोगों ने मॉडर्न स्टाइल को अपनाया और ये जो टेक्नोलॉजी चेंजेस था इससे पूरे विश्व में फर्नीचर की जो डिज़ाइन है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और विभिन्न देशों में फर्नीचर का डेवलपमेंट जो है वो होने लगा। थैंक यू।